से शेयर करना चाहता हूँ अगर आपकी परमिशन हो तो। सर अरे सर ओके। सो लास्ट वीक में, ठीक है, लास्ट वीक में हमने गोल्ड के बारे में एनालिसिस किया था कि जो यूएसडी पेयर से वो फॉलिंग हो जाएंगे, राइट। तो किसने किसने कितना प्रॉफिट निकाला, किसमें ट्रेड किया, एंट्री कहाँ से लिया था, कितने आरआर का प्रॉफिट निकाला, कोई बता सकता है? होगा सर, मैंने $67 निकाला है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर मैंने 30 सर, मेरा मैंने सर $2 निकाले हैं। सर मेरा 170। ओके, मैंने सर $2 निकाले। मैंने सर 79 सर, मैंने दो सर। इस वीक में गोल्ड में बहुत जबरदस्त वॉल्यूम रहेगा सर, राइट। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली होगी सर। गोल्ड इज मोल्ड, मैंने $2 निकाले सर। चलो दो भी निकाला, बहुत बढ़िया है, लेकिन निकालना जरूरी है। घनश्याम $2,000, अरे वाह बहुत बढ़िया। इतने सारे लोगों ने प्रॉफिट निकाला है, लॉस किसने किसने किया है? सर मैंने किया है वो ना। मैंने $3 सर, मैंने कोई भी लॉस नहीं किया है सर। ओके एक एक करके बोलो। Raise your hands, I will unmute them, no problem. Those who wants to speak. Okay. अच्छा लो, जिन्होंने लॉस किया है नो वरीज, जिन्होंने सेशन अटेंड किया है लास्ट टाइम मैंने जो बताया था उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। अभी जाओ एंजॉय करो, वीकेंड है अभी, सैटरडे संडे एंजॉय करो, प्रॉफिट निकाला है तो फिर। यस यूनुस जी बोलिए। सर मैंने 100 लॉस किया है। क्यों, लॉस कैसे हो गया आपका? वो स्टॉप लॉस लगाने में थोड़ा गड़बड़ होता है सर, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाने का, कितना लगाने का मालूम नहीं। मैं अभी नया बैच ज्वाइन किया हूँ, अभी लास्ट 3 सेशन बचे। ओके हाँ राइट, हाँ हाँ हाँ, इसलिए वो फिर भी $34 मैंने प्रॉफिट किया उसमें से। $100 लॉस किया था उसमें से, मतलब कवर किया, मगर वो स्टॉप लॉस लगाने में डर लगता है कि किधर लगाने का, क्या लगाने का, ये मालूम नहीं अभी तक। ओके 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 ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप नए हो। हाँ अटेंड करते जाओ, डेफिनेटली आपको ये मिलेगा। ओमकार मोरे, यस यू कैन स्पीक। हाँ सर, तेवढे ते स्टॉप लॉस कसं लावायचं तेवढं सांगा फक्त, नाही का? अभी नए बैच में हो ना? हाँ नए बैच है, मतलब करंटली रनिंग बैच में हो ना, तो हाँ तो उसमें हाँ। बता देंगे, नो प्रॉब्लम, उसमें बता दिया जाएगा। अरे अगर बाद में भी फिर भी नहीं पता चला तो सर, जो हमारा वेडनेसडे को और सैटरडे को सेशन होता है ना, तो उसमें मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। हाँ सर, और ट्रेडिंग से आप ट्रेड नहीं ले सकते क्या? ट्रेडिंग व्यू से भी ले सकते हैं हमें, लेकिन वो हमें ये हमारा लिंक करना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा
उसके बाद दिनेश चौहान, यस बोलिए सर। गोल्ड का अभी क्या रहेगा, डाउन जाएगा या अप? हाँ उसके लिए सेशन रखा है, गोल्ड का देखेंगे, नो प्रॉब्लम। हम हेलो, यस बोलिए सर। मैंने पहली बार अटेंड किया है आपका वेबिनार। ओके, अभी स्क्रीन पे जो यूएसडी कैड का ओपन करके रखा है ना चार्ट, आप ये ब्लॉक ऑर्डर पे कर रहे हो ना सर ट्रेड? यस राइट। हाँ सर, तो आपने ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे चुना सर? चेक, ठीक है, इसका आंसर अभी कौन देगा? ठीक है, आप ये क्वेश्चन है ना ग्रुप में पूछिए, सारे लोग आपको बता देंगे, बिकॉज ये चीज मैंने कम से कम आज तक 10-12 बार बोला होगा। ठीक है, इसका आंसर कौन? पहली बार अटेंड किया था सर आपका भी ना। हाँ हाँ राइट राइट, इसका आंसर कौन देना चाहेगा? एनी वॉलंटियर अनम्यूट करके बोल सकते हो, लेकिन वन बाय वन। चलो आपके लिए क्वेश्चन है अभी। सर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा समझ नहीं आया। ये स्क्रीन पे जो ये हमने जोन बनाया है राइट? यस सर। ये जोन हमने क्यों बनाया है? वो क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंस एरिया है सर, जहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। रिजेक्शन ब्लॉक है सर, मूव किया है, सप्लाई जोन है सर, एक सप्लाई जोन है। ऑर्डर ब्लॉक है सर, तो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक सर। सर गोल्ड का बताना, ये क्या है फिर? अभी ये जो हमने ड्रॉ किया ऊपर वाला, ये इसको क्या बोलेंगे हम? सप्लाई जोन सर, रिएक्शन सप्लाई जोन होगा सर। ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक ये, ठीक है, ब्लॉक है। ओके, तो अभी अभी ये नीचे वाला जो है उसका कलर मैं चेंज करूंगा। ये नीचे वाला बहुत स्ट्रांग है या ऊपर वाला स्ट्रांग है, और क्यों स्ट्रांग है? ऊपर वाला है, नीचे ऊपर वाला नीचे वाले में अगर उसको ब्रेक करे करना मुश्किल भी है, अगर करा तो काफी अच्छा बेनिफिट देगा सर। ओके, लेकिन ऊपर वाला क्यों वैलिड है, ज्यादा वैलिड क्यों है, रीजन क्या है उसके पीछे? उसके पीछे रीजन ये है कि सेलिंग का प्रेशर ज्यादा था, इसलिए बाइंग हो रही है, इसलिए बड़े टेंडर वहां से नजर आ रहा है, वहां से मार्केट फिर। ओके 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 ओके, चलो सर गोल्ड एनालिसिस सर। सर वेल वेल वेल, हाँ हाँ, अरे वो म्यूट हो गया था गलती से। ओके, तो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि जो कंटेंट जो है हमारे अगले बैच के, जो 20 जुलाई को हम चालू करने वाले हैं, तो वो कंटेंट का जो है वो रेडी हो चुका है, वो मेरे पास अब भी आया है। तो आफ्टर दिस सेशन लास्ट में मैं बता दूंगा कौन से कंटेंट है, क्या है, मतलब आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, राइट? तो मैं बता दूंगा। चलो लेट्स गो टू आवर मेन टॉपिक, सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपका फेवरेट लेते हैं गोल्ड। राइट, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था, हमने देखिए ये प्रॉपर एक क्या बन रहा है, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? चलो जल्दी जल्दी आंसर टाइप करो चैट बॉक्स में।
गोपीनाथ जी प्लीज अपलोड, लास्ट सेशन ऑलरेडी अपडेट हो चुका है यूट्यूब पे, फॉलिंग वेज ओके सही बात राइट तो ये हो गया हमारा फॉलिंग वेज, बट एक मिनट राइट जस्ट एक दो मिनट रुके सर ओके हाँ सो वेर वेर वी तो ये हो गया हमारा, आवाज कट कट के आ रही है अभी आपको बताता हूँ आवाज कट कट के क्यों आ रही है, क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेशन है और मैं ऐसी जगह पे हूँ जहां मतलब टोटली हिल साइड एरिया है, तो जितना मतलब प्रयास कर रहा हूँ कनेक्शन का तो थोड़ा सा ग्लिच आ सकता है, तो उतना आज के सेशन में समझ के लेना बिकॉज आई एम आउट ऑफ स्टेशन। लास्ट वीक में बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला है ना, तो हम घूमने के लिए आए। ओके सो देखिए ये हमने जोन बनाया था राइट, ये हमने जोन बनाया था और यहाँ हम टोटली क्लियरली दे सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर हमारा जोन कभी हमने बनाया है राइट, मान लो ये सिचुएशन इफ अगर हमने जोन बनाया है राइट, और जोन बनाने के बाद मान लो अगर ये ऐसे आपको एक राइजिंग वेज भी मिलता है लाइक दिस, एक मिनट, ऐसे अगर राइजिंग वेज भी आपको देखने को मिलता है और ये जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो एकदम जोन के अलाइन है तो चांसेस क्या होते हैं, वो उसके रिस्पेक्ट करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं लाइक दिस, तो ये ज्यादा बहुत रिस्पेक्ट करेगा राइट तो जब जोन भी बनता है तो आगे पीछे कहीं इम्बैलेंस होता है या अपना बहुत ज्यादा होता है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं वर्कआउट होने के राइट। तो सेम सिचुएशन यू कैन सी सेम सिचुएशन ऑन द लेफ्ट साइड, ये हमने जोन ड्रॉ किया था, इसको हम एक्सट्रीम डिमांड बोलेंगे, सबसे नीचे था ये, उसके बाद ये देखिए चार्ट पैटर्न भी एकदम अलाइनमेंट है उसके साथ। सो मैंने एक एंट्री भी बताया था आपको, मैंने एक ये हमने सेल का एंट्री भी एग्जीक्यूशन किया था, तो इसमें हमने क्या चेक किया था, ब्रेक रीटेस्ट देन शूट टू द डाउनसाइड, तो हम देख सकते हैं इसका फॉलिंग हो गया, लेट मी चेक, देखिए 65 पिप्स का हमें ये टारगेट मिला। उसके बाद देखो जब कभी भी हम ट्रेड लगाते हैं मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें क्या होता है ब्रेक इवन सेट करना है, तो अगर आपने इस एरिया में अगर ब्रेक इवन सेट किया होता आपका तो आपका लॉस नहीं होता, आप प्रॉफिट में रहते हैं। तो ब्रेक इवन सेट करना ये इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। चलो लेट्स रिमूव एवरीथिंग, आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखिए हमने चेक किया था कि हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन था ये था 30 वाला राइट। तो अगर देखा जाए तो मार्केट इस एरिया में आ चुका है, मतलब 22 तक या 23 तक तो मार्केट ऑलरेडी आ चुका है राइट। तो बाइंग के लिए हम कब जाते हैं, बाइंग के लिए हमें कब जाना है, हमें ये प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक होने चाहिए तब हम बाइंग के लिए जाते हैं राइट। सो यहाँ क्लियरली हमें दिख रहा है ये जो हमारा हाई था प्रीवियस वाला ये मार्केट ने ब्रेक किया है, तो अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट वीकेंड में हम बाइंग के लिए बैठेंगे। हमारे पास नेक्स्ट वीक में दो पॉसिबिलिटी है गोल्ड की, इसके जोन बनाते हैं पहले। तो एक जोन हो गया ये, दिस इज द एरिया, इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए राइट। तो मान लो अगर प्राइस इस लेवल में आता है फिर से,
लाइक दिस, अगर इस प्राइस एरिया में आता है तो हम जाएंगे टोटली बाइंग के लिए। इसका स्टॉप लॉस और टीपी हमारा कितना हो सकता है ये भी बताना चाहूंगा। अगर मान लो यहाँ से भी हम ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं, फिर का भी कंफर्मेशन चेक करेंगे हम, राइट। तो अगर इस एरिया से भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमें स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 60 पिप्स का और टीपी हमारा हो जाएगा दिस। तो ये 1:3 का आरआर हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट एरिया होता है, इंपॉर्टेंट एरिया जिसको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। ओके तो ये हम सेटअप नेक्स्ट वीक में आराम से ले सकते हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, ये सेटअप वी आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट वीक। तो ये हमने बाई साइड का देखा, लेकिन अगर मान लो, चलो मान लो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हो गया। यूट्यूब चैनल का नाम है गोल्डन बुल्स ट्रेडिंग एकेडमी। अगर मान लो मार्केट ओपन हो गया और वो ऊपर गया, ठीक है, कौन से हमारे इस एरिया में गया, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इस एरिया से हम क्या करेंगे, सेल के लिए कंफर्मेशन लेंगे, सेल के लिए। थोड़ा सा इसको साइड में लेता हूं, वेट। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अच्छा अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट वीक में। सी, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है, ये अभी तक हमारे चार्ट पैटर्न में है, सही बात है। दूसरी चीज, हायर टाइम फ्रेम का तो मार्कअप हमारा सेट है, तो हायर टाइम फ्रेम की कुछ जरूरत नहीं है अभी हमें ज्यादा, हम लोअर टाइम फ्रेम पे ही जाएंगे। ये हमारा जोन है, इसके वैल्यूज में पुट अप कर देता हूँ, 1923 से लेकर 1930 ये हमारा जोन है, राइट। तो ये हमारा जोन बन गया। ऑन व्हाट बेसिस यू हैव मार्क पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन ये मार्क क्यों किया है, क्योंकि देखिए हमारे पास कंफर्मेशन कितने हैं, एक तो ये जो प्राइस है, प्राइस का जो मूवमेंट चल रहा है ये एकदम हमारे चार्ट पैटर्न में है, और दूसरी चीज इस एरिया में चेक करेंगे तो हम इस एरिया से क्या हुआ है, मार्केट ने फॉल दिया है, और इस एरिया से मार्केट ने जब फॉल किया है तो मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, लोअर लो बना रहा है, सी लाइक दिस। तो इन चीजों की वजह से ये इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए, हायर टाइम फ्रेम की कोई जरूरत नहीं है। चलो अभी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, अगर मान लो मार्केट ओपन होता है मंडे को, करंटली प्राइस चालू क्या है 1920, ठीक है 1920 प्राइस करंटली चालू है। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है लाइक दिस, कुछ दिक्कत नहीं है, जाने दो, 25 तक भी जाता है तो जाने दो, कुछ दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन चेक करेंगे, राइट। तो इसमें ऊपर से हम सेल की पोजीशन एक्टिवेट कर सकते हैं लाइक दिस, ये हमारा स्टॉप लॉस जोन के ऊपर, और हमारा टारगेट हम रख सकते हैं अप टू दिस एरिया। तो ये हो गया 1:3 का रेशो, और जैसे ही प्राइस हमारे इस एरिया में आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आएगा, POI में आएगा, हम क्या करेंगे, बाय की पोजीशन एक्टिवेट करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इस लो के नीचे, क्योंकि यहां भी एक छोटा सा है ना, छोटा सा जोन आ रहा है लाइक दिस, इसको कलर चेंज करता हूं, इसका एक्सट्रीम डिमांड बोलेंगे इसको। चलो ये नीचे का तो काम खत्म हो गया, नीचे वाला छोड़ दो अभी फिलहाल, तो काम नहीं है उसका, ये दो हमारे लिए जोन इंपॉर्टेंट है। तो यहां से भी अगर ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं तो टारगेट हमारा रख सकते हैं हम अप टू दिस एरिया 1926 तक, जिसको पिंग पोंग एंट्री या SBT भी बोला जाता है। तो ये दो सेटअप हमारे पास अलाइन है नेक्स्ट वीक में। अभी इस सेटअप के ऊपर किसी को कुछ क्वेश्चंस है, हाउ टू टू कंफर्मेशन ऑन विच टाइम फ्रेम इज बेटर। देखो जब एंट्री एग्जीक्यूशन जब हम करना है ना, देखो ये मार्कअप तो हमने किस में बनाया, मार्कअप तो हमने बनाया 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, राइट। लेकिन हम एंट्री जब लेते हैं तब हम 15 मिनट या 5 मिनट में हमें एंट्री लेना है, 5 मिनट में भी हम आराम से एंट्री एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अगर यहाँ हमें ऊपर डबल टॉप मिलता है
ठीक है, डबल टॉप के बाद ऐसे एक रिटेस्ट मिलता है, तो ये बेटर कंफर्मेशन होते हैं सेलिंग करने के लिए। तो इसके लिए ये मैंने सिचुएशन ऐसे बनाया है। ठीक है, अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है गोल्ड के बारे में, इस सेटअप के बारे में? डिक्सी से रिलेट करने की जरूरत ही नहीं है, टोटली एकदम क्लियर सेटअप है ना, क्लीन सेटअप है ना। देखो डिक्सी की जरूरत भी नहीं है, हम चेक करेंगे, नो इश्यू, बट जरूरत नहीं है, एकदम क्लीन सेटअप है, क्लियर सेटअप है। होल्ड करना प्रभात जी, एक मिनट, टॉप एक 1912 से सेल किया हुआ है, 12 से सेल। अभी देखो मार्केट का ओपनिंग इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ओपनिंग होने के बाद उसके ऊपर जोन है ना, ये जोन बना है ना उसके ऊपर, तो पॉसिबिलिटी है कि वो जोन में भी जा सकता है और उसके बाद नीचे आएगा, लेकिन अगर प्राइस एरिया में आएगा तो वी आर गोइंग फॉर बाय। नो सर, ठीक है दानिश जी, यू कैन नो प्रॉब्लम। लेट मी रीड सम क्वेश्चंस। 1904 से सेल किया है आपने, अगर सेल किया है तो नीचे जब मार्केट आ जाएगा ना अभी इस 1906 तक, तब यू कैन टेक एंट्रीज। यस, वो भी है कोमल जी, वो भी है। एक मिनट चेक करता हूं। सेम चीज। ओके, आरती जी ने एक बहुत अच्छा सेटअप भेजा है, लेट मी शो यू। देखो आप, उन्होंने एक बहुत अच्छा सेटअप भेजा है, सेम एज लाइक दिस। ओके, यू कैन यू सी, ओ राइट, हाँ टोटली ये जोन है, ठीक है, ये हमने जोन बनाया राइट, ऊपर से भी ये ब्लॉक आ रहा है। वेरी वेल वेरी वेल वेरी वेल वेरी वेल, दिस इज दिस सेटअप इज गुड। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है समटाइम्स, ये हाँ आपने मतलब ये जोन कंसीडर किया ना लाइक दिस, इतना ही छोटा, हाँ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ एफवीजी भी हमें दिख रहा है, कहाँ पे, इस एरिया पे 1925 या 26 पे थोड़ा सा एफवीजी, तो मतलब लाइक वी हैव टू टेक लाइक दिस देन। चलो इतना हम कैलकुलेशन करके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे लाइक दिस, 50 पिप का स्टॉप लॉस और 190 पिप का टारगेट, वी कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। रिटेलर ट्रेडर इस एरिया में सेलिंग चालू करेंगे लाइक दिस, इस एरिया में रिटेल लोगों का सेलिंग चालू होगा, तो थोड़ा सा उसके ऊपर स्पाइक तो बनता ही बनता है, और नीचे रहेगा हाँ दिस, और टाइट अगर रखना है तो यू कैन गो लाइक दिस, $44 का, अदरवाइज अगर बड़ा रखना है तो $6 का भी रख सकते हो आप। टॉप डाउन एनालिसिस, एक मिनट सर, क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? हाँ चलेगा डैनिश जी, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक मिनट, लेट मी गिव यू एक्सेस, करो आप करना चाहते हो तो करो बिंदास, रिक्वेस्ट भेजिए। जीबीपी जेपीवाई का भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ डैनिश जी ये भेजिए ना, रिक्वेस्ट भेजिए ना। यस यू कैन शेयर योर स्क्रीन, नो प्रॉब्लम। चलो बहुत अच्छी बात है, सभी वॉलंटियर बन रहे हैं। यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस, क्लीन एंड क्लियर, बोलिए। हाँ सर, मैं अपना एनालिसिस शेयर करना चाहता हूँ सर। चलेगा चलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जस्ट अ मिनट सर। अजय जी दो मिनट बताता हूँ, दो मिनट। डैनिश जी एक क्वेश्चन आया है, ये जोन डिसाइड कैसे करना है, ठीक है,
ये सप्लाई और डिमांड, तो उसका भी आंसर दीजिए एक बार। सर मैं स्क्रीन शेयर किया कि आपको नजर आ रही है? राइट राइट, दिख रहा है, दिख रहा है क्लीन। सर मेरा इस वीक का ये एनालिसिस है, अभी मार्केट है 1990 पे, मतलब अगर right. 1x में अगर मैं यहाँ पे इसको देख रहा हूँ तो मार्केट अभी साइडवेज जोन में यहाँ पे चल रहा है। तो मुझे जहां तक एसएस में लग रहा है कि पहले मैं राइट कंफर्मेशन का यहाँ से वेट करूँ, उसके बाद में जो है मार्केट अगर यहाँ से अगर कंफर्मेशन अगर मुझे मिलता है, फॉर एग्जाम्पल हैमर या बेरिश एंगल्फिंग ऐसे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे मिलता है तो सर वहां से मैं सेल ट्रेड लूंगा और मेरा टारगेट होगा 1912 या 1910, क्योंकि 1910 पे मार्केट ने काफी टाइम सर यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। देन अगर यहाँ पे मार्केट आएगा तो पहले वहां साइडवेज में यहाँ पे मार्केट मूवमेंट करेगा करीबन 2 से 3 आवर, देन उसके बाद में एक तो मार्केट नीचे आ सकता है या अदरवाइज सर यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर भी वहां तक के मार्केट जा सकता है। ये मेरा यहाँ पे सेकंड एनालिसिस है जो मैं रेट किया, तो यहाँ से मार्केट बाइंग में भी जा सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट ये ब्रेक नहीं कर पाया तो 1912 या 1910 से मार्केट यहाँ तक 19 तक के पूरा आएगा सर, फिर यहाँ से मार्केट जैसे अभी आपने बताया मुझे अपना रियलाइज हुआ कि यहाँ से मार्केट बाइंग में भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ से इससे पहले ये बहुत सारी चीजें हुई है सर, यहाँ से मार्केट इससे पहले बहुत अच्छा मूवमेंट किया है, यहाँ पे बाइंग में भी गया था। तो सर यहाँ से मेरी मुझे ये लग रहा है इस वीक में कि मार्केट डाउनफॉल में ही स्टार्ट हो सकता है, देन इसके बाद में यहाँ से 1900 तक के उसके बाद में वो अपना टारगेट करेगा बाइंग का। अदरवाइज अगर मार्केट बाइंग से अगर ओपन होता है सर तो 19 से मार्केट निकलेगा, वो फिर रिटेस्ट करेगा, देन उसके बाद मार्केट जाएगा 1930 to 1933, ये मेरा एक जोन रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम मोमेंट करेगा, साइडवेज में रहेगा। अदरवाइज अगर इसको ब्रेक किया तो 1940 तक के सर मेरा टारगेट होगा, जहां से मार्केट बहुत इजीली जाएगा। अदरवाइज अगर 40 तक गया, 40 से जब सर मार्केट जब डाउनफॉल में अगर आता है तो ये 40 से मुझे काफी अच्छा सर यहाँ पे सेल ट्रेड लेने का एक मौका मिलेगा और मेरा टारगेट होगा सर 1900 तक के, यहाँ तक के इजीली सर मैं यहाँ पे प्रॉफिट गेन कर सकता हूँ। देन अगर इसको ब्रेक किया तो फिर 1988 ये मेरा टारगेट होगा सर। तो ऐसा सर मेरा एनालिसिस ऐसा मुझे लग रहा था। सो आपने टाइम दिए और मुझे मौका दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी इस एनालिसिस के ऊपर किसी को कुछ बोलना है या कोई अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता है तो वो कर सकते हो, रेज योर हैंड्स। हेलो, यस, हाँ सर, इन्होंने कहा जैसे 1910 से मार्केट रेंज होगा, ऊपर जाने के चांसेस तो बहुत कम है क्योंकि इधर फेयर वैल्यू गैप है, इम्बैलेंस है, और छोटे टाइम फ्रेम में भी बहुत सारे गैप्स है तो मार्केट रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो आई थिंक नहीं यहाँ रेंज होगा, इन्होंने कहा करेक्ट है रेंज होगा वहाँ मार्केट, बट नीचे ही आएगा। ओके, नीचे और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है तो आपने जैसे ड्रॉ किया वहां से मार्केट रिवर्सल होने के चांस ज्यादा है। ये जो जोन अभी बनाया है ये जोन, लेट मी टेल यू दिस, ये 1920 का जो जोन बनाया है मार्केट यहाँ रेंज करेगा थोड़ा, और यहाँ से रिटेल जो ट्रेडिंग करते हैं उनका सेलिंग चालू होगा, राइट? यस, तो उसके ऊपर स्पाइक या कैंडल मिलने के चांसेस बहुत है। हाँ, से नहीं नहीं नहीं, अपना ये वाला जोन कौन सा, 1920 वाला जोन। अच्छा, अभी आपने जो ड्रॉ किया, हाँ ड्रॉ किया है मार्केट अभी रेंज करके थोड़ा सा स्पाइक मिलने के या ऊपर कैंडल बनने के चांसेस है, बिकॉज देखो मार्केट चलता कैसे है, रिटेल ट्रेडर जो होते हैं उनको स्टॉप आउट करके मार्केट चलता है। यस सर, तो स्टॉप लॉस होना ही होना है, उसके बाद मार्केट का मूवमेंट डिसाइड होगा, तो दैट्स व्हाई यहाँ अगर सेल लगाओगे तो वो मतलब ज्यादा वैलिड नहीं रहेगा, तो इस एरिया में सेल मत लगाओ। 19 में हाँ सेल मत लगाओ, थोड़ा सा ऊपर जाने दो। यस सर, यस सर। ओके, रेडमी नोट 9 प्रो, भाई साहब आपका नाम तो डालिए, हाँ भरोसा करना है लेकिन मल्टीपल कंफर्मेशन होना जरूरी है। ओके, सिद्धार्थ सिन्हा आपको कुछ क्वेश्चन है, एक मिनट, ठीक है टॉप डाउन भी करते हैं।
उसके बाद इम्पोर्टेंट जोन ड्रॉ करने के लिए हमें चेक फॉर द बिग कैंडल, बड़े कैंडल कहाँ बने हैं वो चेक कीजिए, यानी मोटे इंस्टीट्यूशन कुछ ट्रेडिंग करता है ये कैसे समझ तुम, मार्केट में जो बड़े कैंडल का मूवमेंट होता है ना वो इंस्टीट्यूशन का मूवमेंट होता है। जोन के लिए अजय जी आपको चेक फॉर द बिग कैंडल्स, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को अपना ओपिनियन शेयर करना है, आपकी स्क्रीन अगर शेयर करनी है आपको, तो आप वॉलंटियर बन सकते हो, यू कैन डू इट हियर। ओके, वी हैव सम क्वेश्चंस। ओके, यस यू कैन स्पीक। हेलो सर, दूसरा हमारे, हाँ बोलिए बोलिए सर, ये मार्केट कहाँ से जाके वापस रिट्रेस करेगा, इसके बारे में कैसे जानकारी मिलेगी, मतलब गोल्ड जैसे वापस कहाँ से मुड़ेगा, अभी कहाँ तक जाएगा और कहाँ से वापस आएगा। हमने एक चार्ट पैटर्न बनाया जी, राइट, हमने एक चार्ट पैटर्न बनाया, सही बात है, वो फॉलिंग वेज है, लेकिन फॉलिंग वेज का ऊपर का लाइन कहाँ है देखो, या किस लेवल पे दिख रहा है, 1925, मतलब 25 के आसपास ये लाइन दिख रहा है हमें, सही बात है। तो फिलहाल मार्केट से, मार्केट के चांसेस क्या है, इस एरिया तक जाने के चांसेस है, और अगर देखा जाए तो ये जो एरिया बन रहा है ये पूरा एक साइडवेज का एरिया है, राइट। तो मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जाके पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे आता है, क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन कितने हैं, हमारे पास ट्रेंड लाइन भी है, उसके बाद हमारे पास जोन भी है, तो ये दो कंफर्मेशन है, और तीसरा कंफर्मेशन क्या है देखिए, लेट मी टेल यू, एक सिमेटिक होता है, राइट, राउंड ट्रेंड फॉलो करके मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट इस तरीके से जाता है, तो ये राइट वाला जो मैंने अभी ड्रॉ किया है वो चेक कीजिए, और अभी ये देखिए यह क्या हुआ है, लोअर लो देखिए, लोअर लो, इसके बाद इसने क्या किया, लोअर लो नहीं बनाया, ये ऊपर गया, सेम चीज। तो अभी जो ड्रॉ किया और चार्ट में जो दिख रहा है इसमें डिफरेंस कितना है, इट इज सेम, टोटली सेम है। तो उसके कुछ थीमेटिक्स भी होते हैं मार्केट के, तो वो हमें थीमेटिक मतलब देखना जरूरी होता है, वैसे कई सारे कंफर्मेशन होते हैं उसके हिसाब से मार्केट का मूवमेंट जो होता है ना वो हम डिसाइड करते हैं। चलो लेट्स सी व्हाट वी हैव नाउ, बिग कैंडल भी देख सकते हैं, हाँ 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 चेक करना है अविनाश जी, वही चेक करना है हमें, 1900 तक आएगा, अगर मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर ये ब्रेक होता है तब गोल्ड के चांसेस है, अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो गोल्ड के चांसेस है कि गोल्ड इस एरिया में आ सकता है, ये सबसे बॉटम वाला हो गया, सबसे बॉटम वाला, बॉटम में हेड एंड शोल्डर, हाँ काइंड ऑफ परफेक्ट नहीं है बट काइंड ऑफ है, और हालांकि हमें यहाँ फिफ्थ का भी कंफर्मेशन मिल रहा है ना, लाइक दिस ऊपर भी जाता है तो नो प्रॉब्लम, फिफ्थ का भी कंफर्मेशन हमें मिल रहा है, तो उसके बेसिस पे हम अस्यूम कर सकते हैं कि मार्केट Will I have been important? Yes, Abhishek जी, आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हो क्या? Okay, let me unmute you. Wait a minute. Hello. हाँ बोलिए. हाँ सर, 4 आवर टाइम फ्रेम में सर फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, तो आई थिंक मार्केट रिवर्सल होने के चांस बहुत ही कम है, आपने कहा एनालिस्ट किया जैसे मार्केट नीचे तो बहुत आएगा स्ट्रॉन्गली, तो इधर सर फेयर वैल्यू गैप है सर 1858 से 1860 से 1846 में फेयर वैल्यू गैप है सर 4 आवर टाइम फ्रेम, हाँ ये वाला ना, लाइक हाँ, तो ये हमारे लिए जोन ये बनेगा राइट, और ये बना हमारा राइट दिस एरिया, यस यस सर, और वहां सर डबल बॉटम बना है, वहां स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होने के चांस ज्यादा है, तो मार्केट आई थिंक सर और डाउन ट्रेंड होगा थोड़ा,
ब्रेक पर चेक करते हैं। हाँ सर, अगर यहाँ से क्या करना है, मतलब करंटली सिचुएशन क्या है हमारे लिए, तो ये जोन इम्पोर्टेंट है, राइट? हाँ यस सर। अगर मान लो यहाँ से एक ये मिलता है, मतलब अच्छा रिजेक्शन मिलता है, यस सर, तो हम तो क्या करेंगे, हमें सिंपल सी चीज अभी देखिए, इस सिचुएशन को हमें टैकल कैसे करना है, यस सर, इस सिचुएशन को टैकल कैसे करना है, एक बहुत बड़ा एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स गो टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। अगर मान लो हमें इस एरिया में कंफर्मेशन मिलता है, कौन से इस एरिया में, yes, तो sir. हम क्या करेंगे, हम सॉर्ट की पोजीशन एक्टिवेट करेंगे, राइट? यस सर, ऐसे लाइक दिस। तो हमारा टारगेट हम कहाँ तक रखना है, हमें इस एरिया तक, हमें 19.6 तक हमें हमारा टारगेट रखना है, राइट? यस सर। तो ये कम से कम 170 या 180 टिप का तो टारगेट हो गया। यस। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, बेस्ट ऑप्शन, हमारी 40% पोजीशन क्लोज कर देंगे। ओके ओके यस सर। स्टॉप लॉस जो है हमारा हम ब्रेक इवन पे सेट कर देंगे। यस। और रिमेनिंग जो 60% पोजीशन है उसको नीचे जाने दो। यस, होल्ड करें। अगर कोई न्यूज आती है, अगर स्पाइक आता है तो, अगर नीचे जाता है तो फॉल होने दो। यस। लेकिन हमें फिर इस एरिया में चेक करना पड़ेगा, ये छोटे से एरिया में, कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। यस सर। हाँ, तब तक हम ट्रेड को क्लोज नहीं करेंगे पूरी तरीके से, बिकॉज अगर टारगेट की अगर बात की जाए तो नीचे वाला भी जो एरिया है वो वैलिड है। यस सर। तो ये सिचुएशन को हम आराम से टैकल कर सकते हैं, लाइक दिस। और सर, न्यूज आई थिंक प्रिडिक्टेबल नहीं है, पर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड न्यूज है। हाँ, यान में भी है और यूएसडे में भी है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग। यस, राइट राइट राइट। ओके चलो, गोल्ड तो द नेक्स्ट स्टेप। विक्रांत जी, हाँ मैंने सेटिंग चेंज किया है उसका, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग है वो। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, डीएक्स में भी चेक कर लेंगे एक बार। हाँ राइट, लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था ऑलरेडी कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगा डीएक्स, और सेम सिचुएशन हुई है, इसने ब्रेक किया है और ब्रेक के बाद अब ये रिटेस्ट कर रहा है, तो ये एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये थोड़ा सा गैप अप है यहाँ पे, बट वो कवर अप हो जाएगा मेरे ख्याल से। इस एरिया में हमें एक स्पाइक देखने को मिल सकता है, स्पाइक देखने को मिलेगा, ठीक है? एक स्पाइक मिलके मार्केट विल गो टू अपसाइड। अगर ये कंटिन्यू रहा, लिसन, अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू होती है तो गोल्ड गोल्ड नीचे जाएगा। इफ डिक्सी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, गोल्ड नीचे जाएगा। देखो, जब कभी भी, मतलब अगर इस पैटर्न को अगर देखा जाए तो, मतलब इस पैटर्न को अगर देखा जाए तो इसको इस एरिया तक, मतलब ये अगर पूरा हमने एरिया चेक किया ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ये कितने कितना है इसका, 50%, ये 50% तो हो गया, मार्केट 50% पे आ गया, लेकिन वी कैन कंसिडर 70% तक तो ये आ ही सकता है, लाइक दिस, यहाँ तक। एक तो कितना है ये प्राइस, 104, ठीक है, यहाँ तक तो मार्केट आ ही सकता है। गोल्ड इज गोना फॉल सर, गोल्ड 4 आवर 1932 टू 1936 सप्लाई जोन है, प्लीज चेक माय एनालिसिस, 32 से लेकर 37 तक, एक मिनट। हाँ, मतलब आपने एरिया कंसीडर किया है, बड़ा एरिया कंसीडर किया है, लाइक दिस, ओके, 37 से लेकर 32, ओके, ये एरिया कंसीडर किया है आपने, नहीं लेकिन जोन बड़ा हो जाएगा ना, नहीं इसको कंसीडर नहीं कर सकते हम, क्योंकि देखो अगर मान लो ये एरिया अगर ब्रेक होता है, कौन सा, ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो इट विल नॉट स्टॉप, ये ऊपर जाएगा, और बिकॉज ये इसके ऊपर का जो टोटल एरिया है, ये टोटल मैनिपुलेटिव एरिया है, मैनिपुलेटिव एरिया, तो इसको ऊपर जाना ही जाना है, फिर कम से
से कम इस एरिया तक, लेट मी ड्रॉ अ लाइन फॉर यू, इतना भी अगर हमने कंसिडर कर लिया था 1942 या 42 तक, 42 या 48 इसको जाना ही जाना है। ओके लेट्स स्विच टू द जीबीपी यूएसडी। ओके जीबीपी यूएसडी में क्या थी ने, एज पर द हायर टाइम फ्रेम, ठीक है, एज पर द हायर टाइम, ये पैटर्न का नाम क्या है कौन बता सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पैटर्न, इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे कौन बता सकता है? यस सिद्धार्थ जी यू कैन स्पीक, चलो नाम बताओ इसका। जिग जैग एक्सपेंशन और कोई ascending, rising wedge na, ascending na, inert, okay, bearish wedge, chala, siphon, okay, nice, SSS, nice, okay, chalo, kuch bahut achhe badi answers bhi aaye hain, to देखो मैंने बताया था आपको कि हमें इस जोन में टैपरिंग चाहिए, ठीक है, लेकिन हालांकि इस जोन में मार्केट ने टैप नहीं किया, ठीक, ये हमने ड्रॉ किया था, मार्केट ने टैप नहीं किया, यहाँ से ऊपर गया है डायरेक्टली। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, लाइक अप ट्रेंड डाउन और लाइक दिस, तो इस ये काइंड इट इज काइंड ऑफ एन It is kind of N pattern movement. जब हमें candlestick में भी देखने को मिलता है और chart में भी आता है। दूसरा अगर check किया जाए तो okay, like parallel तो नहीं है but हाँ एक bearish channel तो जरूर है, but इसमें important area था हमारे लिए this area, see this area. और अगर देखा जाए तो मार्केट ने उस एरिया को रिस्पेक्ट किया है, रिस्पेक्ट तो देखिए अभी आपको बताना चाहूंगा, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है टू द अपसाइड, ठीक है, तो उसके बाद हम एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, देन वी आर गोइंग टू द अपसाइड। अगर फिर भी हम यहां से लगाते हैं तो हमारा बन जाएगा like this area पे, we can consider this area, okay, तो यहाँ से फिर हम buying के लिए shoot out कर सकते हैं with stop loss and target, stop loss of 35 pips with target of, देखो अभी target की अगर बात की जाए तो जो हमारा recent वाला जो high होता है ना कौन सा, ये है वो this area, तो इसको वो definitely break करेगा, ये करेगा, so we can consider for दिस एरिया, तो ये हम बाई की एंट्री उसमें फाइंड कर सकते हैं, कब, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है, मतलब इस हाई को अगर ब्रेक करता है और नीचे आता है तो, ओके मार्क माय वर्ड, करता है तो, अदरवाइज हम ये एंट्री को नहीं लेंगे। दूसरी सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन ठीक है, ये ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेट मी चेक, हाँ लाइक दिस, मतलब ये हो गया पूरा हमारा बुलिश चैनल, उसके बाद ये डाउन डाउन, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, अभी सेलिंग की एंट्री भी इसमें बन रही है, ना नहीं सेलिंग के लिए तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड करंटली ऑन जीबीपी यूएसडी, जब तक इसका ओपनिंग नहीं होता तब तक वी कांट श्योर, बिकॉज अगर देखा जाए तो यहाँ नीचे भी गैप अप है लाइक दिस, तो मार्केट को ये फिल अप करना ही करना है, अगर हम इसको इंडस्ट्रियल एरिया इक्वल भी बोल सकते हैं, तो इसको नीचे आना ही आना है, नीचे टैप करना ही करना है एक बार, ओके लेट्स सी व्हाट वी हैव।
जीबीपी यूएसडी के लिए वेट करेंगे. आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, लेकिन हमें इस एरिया में, मतलब इस एरिया में हमें लोअर टाइम कंफर्मेशन चाहिए. इसके वैल्यूज लगा देता हूँ. कंसिडर दिस एरिया 26400 से लेकर 26250, तो ये 15 पिप का जो डिफरेंस है, तो इसमें हमें कंफर्मेशन चाहिए. अगर कंफर्मेशन मिलता है तो वी आर गोइंग फॉर बाय, अदरवाइज नॉट. नेक्स्ट वन इज यूरो यूएसडी. हाँ, यूरो यूएसडी का हमारा, ओह शिट शिट, डैम इट डैम इट डैम इट. यू कैन क्लियरली सी हमारे जो एंट्री थी, मैंने सेशन में बोला था एंट्री हमारी कितने पिप से मिस हो गई, सिर्फ दो पिप से हमारी एंट्री मिस हो गई इसमें, दो पिप से. और टारगेट गया हमारा पूरा कम से कम 100 पिप का. यू कैन क्लियरली सी 100 पिप का हमारा टारगेट गया, लेकिन दो पिप से हमारा एंट्री मिस हो गया. तो इसलिए बोलता हूँ स्टिक टू द प्लान, नो कंफर्मेशन नो एंट्री. ट्रेंड लाइन भी एकदम अच्छे से इसको ये कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है. बट इसमें चाहिए क्या, मार्केट को फॉल चाहिए. आई वॉन्ट, मुझे क्या चाहिए यूरो यूएसडी सेटअप में, लेट मी टेल यू, आई वॉन्ट मार्केट टू गो इन दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस एरिया से हम अच्छे से बाय कर सकेंगे. तब तक नहीं, तो यूरो यूएसडी इज स्टिल ऑन सेलिंग. आज सिद्धार्थ सिन्हा, एक मिनट, आप ये कीजिए ना, हैंड रेज कीजिए ना आपका. हाँ सिद्धार्थ जी बोलिए. ये कंफर्मेशन मिलने से पहले भी कोई मार्केट चला जाता है, या फिर कंफर्मेशन मुझे मिलता ही नहीं कि ऊपर जाना है, तो जोन आता है वहां पे और अब चला जाता है, तो क्या ही करेंगे इसको? थोड़ा सा माइक आप पास ले सकते हो थोड़ा सा, बिकॉज़ यहां साइड में इतनी बारिश है ना, तो मैं मतलब थोड़ा सा कि कंफर्मेशन जो हमें मिलता है वो कंफर्मेशन नहीं, बिना मिले ही ऊपर चला जाता है मार्केट, बिना कंफर्मेशन मिले. राइट, मैं वेट करता रह जाता हूँ कि वहां पे से जाएगा जाएगा, और फिर वो सप्लाई जोन में भी वही होता है. ये मैं, मेरी अभी क्लास बची हुई है 3-4 क्लास. ओके, तो देखिए समटाइम्स क्या होता है मार्केट, एक बताता हूँ. अगर मान लो ये हमारा जोन है, सही बात है, और अगर एक ट्रेंड लाइन भी ऐसे आ रही है, राइट, एक सिचुएशन, एक क्या बोलते हैं इसको, एक एग्जांपल या सिचुएशन, सिचुएशन पकड़ लो. तो मार्केट का एक ट्रेंड चालू है एक्स वाई जेड व्हाटएवर, मार्केट कुछ तो पैटर्न वगैरह बनाते हुए नीचे 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 आ रहा है, ठीक है. वो क्या करेगा, हमें एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि मार्केट हमारे जोन में एक बार टच चाहिए, लेकिन वो क्या करता है समटाइम, इस एरिया से वो ऊपर जाता है, राइट, इस एरिया से वो ऊपर जाता है, हालांकि वहां हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता. तो जैसे अभी यूरो यूएसडी का हमने एंट्री देखा, मैंने बताया था हमारा एंट्री वहां से मिस हो गया 3 पिप से, लेकिन टारगेट गया 110 पिप का. बट इट्स ओके, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है. ऐसे नहीं है कि एक बार एंट्री बार बार मिलती है. अगर मान लो इसको ऊपर जाने दो, ये कितना भी ऊपर जाने दे, जाने दो, बाद में तो ऊपर जाने के बाद हमें एंट्री मिलना ही मिलना है लाइक दिस, तो कुछ दिक्कत नहीं है. अगर एंट्री मिस भी होता है तो बाद में मार्केट नीचे आने वाला है, होता है रिटेस्ट को, तो उस टाइम हम आराम से एंट्री लेके प्रॉफिट ले सकते हैं. दिस सेम सिचुएशन हैपन ना अभी यूरो यूएसडी में, सेम सिचुएशन हैपन हुआ था, नो वरी. अभी फिलहाल इसमें अगर देखा जाए तो कंसिडर, एक मिनट मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ कुछ मिलता है क्या. अरे भाई साहब, यूरो यूएसडी सेलिंग, यूरो यूएसडी इज इन टोटली सेलिंग, क्योंकि देखिए मार्केट ने क्या किया, ये एक हाई बनाया, सही बात है, उसके बाद ये दूसरा मार्केट ने हाई बनाया, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, मार्केट ने हाई नहीं बनाया है. सी, मार्केट ने हाई नहीं बनाया है, तो इसके चांसेस है कि इट इज गोइंग टू फॉल. इसने हाई नहीं बनाया अभी तक, तो सिस्टमैटिक कैसे होता है,
लाइक दिस ओके। और नीचे हमारे पास हमारा जो परफेक्ट जोन है परफेक्ट ओके दिस इज लॉन्ग टाइम एनालिसिस। ये जो एनालिसिस मैं अभी बता रहा हूँ इट विल फॉलो या कम से कम एक दो महीना तो फॉलो होगा ठीक है। लेट मी चेक द यहाँ से अगर साइज चेक किया जाए फिक्स कैलकुलेशन किए जाए तो टॉप बनाने के लिए इसने कम से कम 3 नवंबर से 21 मार्च 3-4 महीने तो ये सिचुएशन चलेगी लाइक दिस सी दिस। तो हमें एक फॉल देखने को मिलने ही मिलने वाला है क्योंकि अगर देखा जाए तो सी ये हो गया पूरा डाउनफॉल सही बात है। चलो ये हो गया पूरा डाउनफॉल उसके बाद अगर कंफर्मेशन की अगर बात की जाए तो इट विल गो लाइक दिस ठीक है फिर नीचे आएगा मतलब ये सिचुएशन फॉलो करके उसके बाद फ्रॉम यहाँ से इट विल गो टू द अपसाइड अप टू दिस एरिया। और ऊपर जोन तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं एटलीस्ट हमेशा बोलता हूँ मैं कि वी हैव टू कंसिडर 70% ठीक है 70% भी अगर बोला जाए तो वी कैन कंसिडर दिस एरिया ठीक है। तो ऐसा मोमेंट तो इसका होना ही होना यूरो यूएसडी का तो नो वरी अबाउट इट। कंफर्मेशन बुलिश एंड बेरिश कैंडल चाहिए उसके बाद कुछ डबल टॉप डबल बॉटम चाहिए ठीक है। आरतीजी ने एक सेटअप भेजा है लेट मी चेक ओके वेल 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 सेटअप लेट मी शो यू एक मिनट। आरतीजी यू वांट टू एक्सप्लेन दिस चार्ट यस 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 यू कैन स्पीक और यू वांट टू शेयर योर स्क्रीन दैट इज आल्सो नो प्रॉब्लम। वी आर नॉट गेटिंग योर वॉइस ठीक है। लेट मी आस्क यू दानिश जी एक मिनट आरती मैम यू कैन स्टार्ट और अदरवाइज यू कैन आल्सो शेयर योर स्क्रीन बट आप आपकी आवाज नहीं आ रही है विच इज योर रेफरेंस अरे यार एक मिनट ओके यस हाँ यू कैन स्पीक ना नो प्रॉब्लम ओके सी दिस चार्ट इसको भी आप सेव करके रखिए दैट इज आल्सो वेरी नाइस चार्ट उन्होंने भी अच्छा ड्रॉ किया है GBA 15 ठीक है बताऊंगा ओके चलो नो इशू। ओके एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस कृष्णा बदोले ठीक है आई विल चेक इट नो प्रॉब्लम मैं चेक करता हूँ और मैं बोलता हूँ उनको ठीक है Euro JPY का अच्छा चल रहा है शायद Euro USD demand zone 2R yes ठीक है चलो let's go to the screen oh shit Let me remove everything. हाँ इसमें जोन भी नजर आ रहा है लाइक दिस दिस इज द एरिया वी कैन कंसिडर नो प्रॉब्लम ऑलरेडी मिटिगेशन हुआ है टैपरिंग हुआ है तो इट इज वैलिड
बट अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो इसमें हमें चाहिए क्या, 5 मिनट में अगर देखा जाए, वी नीड अ ब्रेक, ठीक है, एटलीस्ट इसका तो ब्रेक होने दीजिए, नहीं 15 इज बेटर, इसका ब्रेक होने दीजिए, वी विल वेट फॉर लाइक ब्रेक, देन लाइक दिस, ऊपर से फिब लीजिए, नो प्रॉब्लम, ऊपर से फिब लीजिए, नो प्रॉब्लम। एनयू एनयू में और एनयू में हमारा बाइंग का सेटअप था, एक्चुअली आई फॉरगेट टू सेंड यू दिस, आई फॉरगेट, ये बाइंग का सेटअप था, स्टॉप लॉस लिया था मैंने 30 पिप का और टारगेट लिया था लाइक 60 का, तो 1:2 का ये ऑलरेडी हिट हो चुका है, इट इज ऑलरेडी हिट। और एनयू के बारे में अगर देखा जाए तो इट इज करंटली इन चैनल, सी इट इज करंटली इन चैनल लाइक दिस, तो हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन है दिस एरिया, क्योंकि वहां पे देखिए ये ट्रेन लाइन का भी अलाइनमेंट हो रहा है उस एरिया में, ट्रेन लाइन भी अलाइन है और दूसरी चीज कंफर्मेशन तो हमें इसका भी मिल जाएगा राइट लाइक दिस, ओके सी दिस दैट इज द परफेक्ट, तो इसके बेसिस पे वी कैन ट्रेड लाइक, टारगेट हमारा रहेगा नीचे वाला एक्सट्रीम डिमांड, तो 130-140 पिप का 1:5 RR का ये टारगेट हमें मिल रहा है, ओके आई एम काउंटिंग ऑन इट दिस सेटअप, तो इसको भी आप मार्क करके लेकर रखिए, जीबीपी जेपीवाई चेक करेंगे 2 मिनट, यस दिस इज आल्सो गुड, तो एनयू में भी अच्छा सेटअप आ रहा है, तो हमारे पास देखा गोल्ड में भी है, ईयू है, जीयू है और एनयू है, ठीक है, एक काम करेंगे 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम जेपीवाई पेयर पे शिफ्ट हो जाएंगे, ओके सो 2 मिनट वेट करेंगे। ओके सो वेर वी हाँ 2 मिनट का ब्रेक लिया था 1 मिनट का वॉचलिस्ट दिखाओ ना आपके नीचे, अरे मेरी वॉचलिस्ट बहुत बड़ी है, वॉचलिस्ट में मेरे देखिए बहुत बड़ी है, आप देखो बहुत बढ़िया है, USD के है, JPY के है, CHF है, CAD है, AUD पेयर से, NZD पेयर से, और नीचे वाले मतलब ये है इंडेक्स है, ऑयल, उसके बाद DXY है, JPY, हालांकि मैंने अभी मतलब ये थोड़ा सा कम कर दिया है, मैंने क्या बोलते हैं NASDAQ, US 30, US Tech, स्टेप इंडेक्स और वोलेटिलिटी इंडेक्स, उसमें थोड़ा सा मैंने कम किया है, लेकिन आई विल स्टार्ट
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है इस पे ले लो ना यार, मतलब ओके ओके ओके। तो हम जाएंगे अभी जेपीवाई पेयर्स। मेरे फेवरेट ट्रेडिंग पेयर देखो, मुझे यूएसडी पेयर अच्छे लगते हैं, उसके बाद मुझे अच्छा लगता है जेपीवाई। आई लव जेपीवाई पेयर्स। यस 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 प्रवीण आरुष सिंह, हाँ यस, तो जेपीवाई पेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है 120 पिप से लेकर कम से कम 250 पिप तक मूवमेंट हमें देखने को मिलता है ऑन डेली बेसिस, तो दैट इज वेरी गुड पेयर और टारगेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं उसमें। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है उसमें, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है। और दूसरी चीज, जब हम कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं ना, तो मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि वो रिटेस्ट करता नहीं है, मतलब एक बार उसने पकड़ लिया फ्लो उसका तो फिर वो डायरेक्टली जाता है। सो दैट इज द वन थिंग, मतलब इसी चीज की वजह से हमें स्टॉप लॉस उसमें बड़ा रखना पड़ता है, दूसरा कुछ भी नहीं। ओके सो नेक्स्ट है जीजे। हाँ ये देखो, ये जीजे ऐसे होता है, जीजे का हमने ये सेटअप लिया था, लेकिन उसमें क्या हो गया बाद में, ठीक है, एज पर देखिए सिंपल चीज क्या होती है, मार्केट क्या है, डाउन मतलब एक ट्रेंड बना रहा है, उसके बाद इसने ब्रेक दिया, तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम इट विल गो लाइक दिस, बट देखिए यहाँ ये उल्टा हो गया, सो दैट्स व्हाई स्टॉप ब्रेक इवन लगाना इज ऑलवेज नेसेसरी। हालांकि इसमें मेरा स्टॉप लॉस उड़ गया, मैंने चेक नहीं किया था और प्रॉफिट भी बुक नहीं किया था, बिकॉज फॉलिंग ये कितने पिप्स का था, ये सिर्फ 50 पिप का फॉलिंग था, बट माई टारगेट वॉज 122 पिप्स, तो ये स्टॉप लॉस उड़ गया, बट ठीक है, इट्स ओके, नो इशू। लेट्स सी ट्रेंड लाइन अलाइन होता है क्या, ओके ट्रेंड लाइन तो अलाइन है। जीजे चलो डेली से चेक करते हैं। जेपीवाई का है क्या किसके पास सेटअप बनाया है किसी ने, अगर होगा तो भेज दो। ठीक है एज पर द आरएसआई, ठीक है जेपीवाई के फॉलिंग के तो चांसेस है, ठीक है एज पर द आरएसआई डेली टाइम फ्रेम जेपीवाई के फॉलिंग के तो चांसेस है, रिटेस्ट भी इतने अच्छा दिया है, हमें कल का ओपनिंग चेक करना पड़ेगा। और बेस्ट एंट्री इसकी कब रहेगी, तो लेट मी टेल यू, इसको ये ब्रेक होने दीजिए लाइक दिस, ये जो एरिया है, दिस एरिया, दिस इज मैनिपुलेटिव एरिया, उसके बाद वी कैन गो लाइक दिस, सी इसको डॉलर का साइन देता हूँ, दिस इज द एरिया, इसको ब्रेक होने दीजिए, छोटा भी अगर ब्रेक मिलता है तो चलेगा, उसके बाद मार्क करेंगे हम जोन लाइक दिस एरिया एंड देन वी आर गोइंग टू डाउनफॉल, तब तक नहीं, टारगेट हमारा इसमें बहुत बड़ा है। हालांकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको ये जो एरियाज मार्क किए हैं, तो दैट इज ऑल अबाउट 300-350 पिप का एरिया, मतलब टारगेट हमें मिल सकता है इसमें, राइट, बट इसका ब्रेक हमें चाहिए। अगर ब्रेक नहीं मिलता तो मार्केट विल कंटिन्यू इट्स अप ट्रेंड, ब्रेक नहीं मिलता तो मार्केट विल कंटिन्यू इट्स अप ट्रेंड, बट इसको फॉल होना ही होना है, तो चाहे दो दिन लगने दो नेक्स्ट वीक में, तो शायद चांसेस है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जेपीवाई पेयर्स में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखना, क्योंकि इसमें फॉल बहुत अच्छा मिलने वाला है। मेरा तो जो टारगेट आई एम कंसिडरिंग इज दिस, आई एम कंसिडरिंग दिस टारगेट, कम से कम इस एरिया से लेकर यहाँ तक 300-350 पिप्स का जो टारगेट है आई एम कंसिडरिंग इट माई सेल्फ, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ये कीजिए। हाँ और यू कैन सी दिस इज द फॉलिंग वेज, राइट, सॉरी राइजिंग वेज, सी उसके बाद ब्रेक, थोड़ा सा क्या बोलते हैं कंसोलिडेशन में गया, रिटेस्ट किया, देन इट इज गोना फॉल लाइक दिस, सो इट इज मोर वैलिड। ओके एनी क्वेश्चंस अबाउट जीबीपी जेपीवाई, यू कैन रेज योर हैंड्स। प्रवीण और यू वांट टू स्पीक एनीथिंग, बोलिए।
और ये सेटअप किसने लिया, ये देखो ये एरियाज मैंने मार्क करके दिया था आपको, ये एरियाज मैंने फिप के कंफर्मेशन, फिप का कंफर्मेशन था ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव एरिया भी था लाइक दिस, ये जो लाइन ड्रॉ किया था, तो ये बाइंग का सेटअप भी दिया था, किसने किसने लिया है, 70-80 पिप का तो आराम से टारगेट मिल गया इसमें यूरो जेपीवाई में, जिन्होंने लिया है बहुत अच्छी बात है ठीक है। इसमें नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी यूरो जेपीवाई ठीक है, जोन तो इंटैक्ट है, जोन ऐसे रखिए, ये जो एरिया बन चुका है दिस एरिया, इसको हम बोलेंगे फेक, फेक ब्रेकआउट ठीक है। नाउ हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है इसमें इज दिस, वी कैन कंसिडर दिस एरिया, तो प्राइस में हमें देखने को मिल सकता है अ लिटल पुश टू द अपसाइड, तो डाउन जाएगा नेक्स्ट टाइम इट विल गो टू दिस एरिया, मतलब हमने बनाया है वहां तो डेफिनेटली जाएगा। चलो जेपीवाई लवर्स बोलो, किसको किसको पसंद है जेपीवाई, और कुछ आपका इंसाइट है, प्रस्पेक्टिव है, ओपिनियन है तो बताइए। सर हमें पसंद है जेपीवाई, जेपीवाई डेली बेसिस वीक हो रहा है। बारे में बताइए ना सर, फिबोनाची। अरे यार जेपीवाई में ज्यादा, हाँ जेपीवाई तो वीक, यस बोलिए। फिबोनाची, अरे वो रिट्रेसमेंट है, वो फिबोनाची का एक काम कीजिए, मैं फिबोनाची का कंसेप्ट बहुत बड़ा है, उसके लिए एक सेपरेट सेशन रखना पड़ता है। लोअर टाइम फ्रेम पे सर एंट्री सर कैसे रहता है, एक बार बताएंगे सर? लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री देखो, अभी जब देखिए, चलो यही एग्जांपल लेते हैं, जब अभी प्राइस इस लेवल में आ जाएगा, कौन से इस एरिया में, तब हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के लिए हमें क्या क्या चेक करना पड़ता है, तो लेट मी टेल यू, चेक दिस थिंग्स, चेक जोन, फर्स्ट थिंग चेक जोन, मतलब ऊपर या नीचे कहीं पे जोन आ रहा है क्या, प्रॉब्लम जोन बन पाएगा, सीधा विक्स, कैंडल विक्स, सीधा कैंडल विक्स, कैंडल के कई सारे विक्स आ रहे हैं क्या उस एरिया में, उसके बाद क्या करना है, लुक आउट फॉर, लुक फॉर बिग कैंडल्स। अब ये बिग कैंडल मतलब क्या होता है, मार्केट का फ्लो होता है, सर वॉइस क्लियर मत करो इफ यू डोंट वांट टू स्पीक, वन मेरे साइड में इतनी जोर से बारिश हो रही है तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा ग्लिच आ सकता है। ओके तो बिग कैंडल मींस मॉर्निंग इवनिंग स्टार्स वगैरह जो रहते हैं, हाँ वो भी बताता हूँ, लुक आउट फॉर बिग कैंडल्स मतलब उस एरिया में क्या होता है, मार्केट का फ्लो होता है, मतलब बेरिश फ्लो या बुलिश फ्लो ज्यादा होता है। उसके बाद चेक फॉर कैंडल स्टिक पैटर्न्स, तो अभी कैंडल स्टिक पैटर्न्स में अच्छे कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न है, जैसे हो गया शूटिंग स्टार बड़े टाइम फ्रेम में दे रहा है क्या, मतलब अभी मान लो 15 मिनट में यहाँ कोई ये बन रहा है क्या, मतलब मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, या 15 मिनट में कोई हैमर या कोई शूटिंग स्टार ऐसे बन रहा है क्या, वो चेक करना है। उसके बाद ब्रेक ऑफ, ब्रेक चाहिए हमें, स्ट्रक्चर का ब्रेक चाहिए। इतने सारे कंफर्मेशन हो गए, नहीं तो ये भी छोड़ो, अगर फिप भी ड्रॉ करके देखो, नहीं मिलते सफिशियंट है, सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि हमें कम से कम 2-3 कंफर्मेशन चाहिए हमें एंट्री लेना है। ऐसे नहीं कि एक हैमर दे दिया और हमने बाय कर लिया, ऐसे नहीं करना, हमें मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए। ओके तो अगर मल्टीपल कंफर्मेशन आते हैं तो वी आर गोइंग टू टेक अ ट्रेड। इधर गए हो ठीक है, रुको पाउसला धुड़ेला, हाँ भेज देंगे, रुको मैं दिखाता हूँ ना आपको, दिखाता हूँ, व्यू दिखाता हूँ,
क्रिप का कंसेप्ट बहुत बड़ा है, बट एक्चुअली मैं जो अभी नया बैच चालू करने वाला हूँ ना, तो उसमें डिटेल मतलब क्रिप का टोटल डिटेलिंग होने वाला है। बहुत बड़ा कंसेप्ट है यार, ठीक है बता दूंगा मैं। चलो यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, उसके बाद सर यूएसडी जेपीवाई, उसके बाद में क्या सर यूजे यूजे टाइम फ्रेम स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर बहुत कम सर, बीओएस सीएच जो रहता है ये क्या रहता है एक्चुअली सर, यूएसडी कैट विक्स का क्या और क्या उसके नीचे कैसे बताइए, यूएसडी कैड ना, हाँ यूएसडी कैड का भी बहुत अच्छा सेटअप है, लेट मी टेल यू शो यू, इट इज वेरी नाइस। हाँ राइट 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 राइट, यूएसडी कैड इज ऑन सेलिंग साइड, क्या लगता है इसमें बताइए, सेलिंग साइड ही दिख रहा है सर आप ऑलराइट, उसमें बेरिश पियर्सिंग बना है। चलो बड़ा टाइम फ्रेम देखो, बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है, बेरिश है वाओ सर, वंडरफुल सर, ऊपर हैमर भी है सर, तीन बार है और बेरिश एंगलिंग कैंडल भी बनी है, उसका लीड टेस्ट भी है। ओके तो यूएसडी कैड का देखो सिंपल बताता हूँ, ये हमने ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया है ये एकदम वैलिड ट्रेंड लाइन है, और उसके बाद हमें ये नीचे एक झुंडी मिल रहा है राइट, और अगर देखा जाए तो ये चेक दिस एरिया, मार्केट ने क्या किया है ब्रेक किया है इस एरिया को, तो हमें यूएसडी कैड में चाहिए कि वो एक बार इस एरिया में आ जाए, उसके बाद हम बाई के लिए टारगेट कर सकेंगे, इतना तो हमें पता चल गया बड़े टाइम फ्रेम से। लेकिन नाउ यू कैन सी इसने दिया है ब्रेक टू द डाउनसाइड, मार्केट का फ्लो चालू हुआ है इस एरिया से, यस सर, तो इस हम सेलिंग का भी ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं लाइक दिस, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा जाएगा 30 का, लेकिन वी कैन कंसीडर टारगेट फॉर, मान लो देखो वीक्स बहुत मुझे इस एरिया में ज्यादा दिख रहे हैं लाइक दिस एरिया, तो वी कैन कंसीडर दिस एरिया फॉर टारगेट, तो ये 70-80 पिप्स का 1:2-2.5 तो ये आ रहा है, वी कैन कंसीडर दिस एरिया। ट्रेड लगा के छोड़ दो, एंजॉय करो, बाहर जाओ घूमने के लिए जाओ, मोबाइल बंद करो। ओके सर, गुड ऑप्शन सर। हाँ एक बार ट्रेड लगा है ना, टीपी एसएल लगा दो, छोड़ दो, चाहे वो एसएल हिट हो जाए या टीपी हिट हो जाए, ओके सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। हाँ लेकिन हर बार इसमें एसएल हिट होता है, हाँ राइट राइट, लेकिन इसमें एक दिक्कत वाली बात क्या है, अगर कल अगर न्यूज है शायद तो देखिए ये जो एरिया है ना दिस एरिया, ये एरिया सब थोड़ा सा मैनिपुलेटिव एरिया है, तो चांसेस है कि मतलब मार्केट इस एरिया से अगर गिरता है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यस सर, उधर से लेफ्ट साइड में ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं है ना, तो फिर उसको वो कवर अप करना ही करना है, तो मतलब अगर ऊपर से इस एरिया से हम ट्रेड लेते हैं ना तो वो ज्यादा वैलिड है। यस सर, एक स्टॉप लॉस हिट करने के टेक प्रॉफिट है, तुम्हें बोलो क्या क्या इधर का साइड कौन है, तो लॉस वाली क्लोज करना, आज हम दूसरा गेम तो फुल लॉस वाली क्लोज करना। Hey, you want to speak? Okay, तो इसमें हम ये सेटअप को भी कंसिडर करेंगे, I will consider, we will consider this setup also for selling side. हालांकि इसमें let me check this, ये एरिया राइट, तो we will take sell from this area also, ये ऊपर वाला एरिया, ये values है this zone. तो हम कंसीडर करेंगे फॉर 1:4 RR, मतलब ये कम से कम 140 पिप के लिए, और ये जो रहेगा रिसेंट वाला दैट इज फॉर, ये रहेगा दैट इज फॉर शॉर्ट,
ठीक है, दैट इज फॉर शॉर्ट, तो इसको भी हम कंसिडर कर लेंगे राइट. तो ये आएगा 1:2 3 RR का, और राइट वाला आएगा 1:4.2 RR का. तो USD CAD इज वेरी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीक, बहुत जबरदस्त पेयर है सर. अच्छा मोमेंट होता है इसमें भी. चलो ओके, आपको एक चीज दिखाता हूं अभी. वेट सर, आपने अभी जस्ट बोला था ना कि ऊपर के साइड में स्टॉर्पस तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर नीचे थोड़ा आने के बाद वहां पर अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम में अगर कॉन्स्टिक पर आ जाता है तो वहां पर नहीं बन सकता है. ओके लेट मी टेल यू. बोला किसी के पास कोई अच्छा एनालिसिस है, हु वांट्स टू शेयर एंड हु वांट्स टू स्पीक, आप वो भी कर सकते हो. जो एनालिसिस कर रहे हैं उसको प्राइस एक्शन बोलते हैं. मैं कर रहा हूँ वो क्या? हाँ सर, ये जो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली उसको कॉन्फ्लुएंसिंग ट्रेडिंग बोला जाता है. कॉन्फ्लुएंसिंग मतलब क्या होता है कि देखो, प्राइस एक्शन के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया होती है जो हमें पता नहीं है, ठीक है. या इंडियन ट्रेडर और वेस्टर्न ट्रेडर, उसमें भी बहुत डिफरेंस होता है. हमारे इंडिया में जो हम ट्रेड करते हैं उसको इंडियन स्टाइल ट्रेडिंग बोला जाता है, और मान लो जब बाहर के कंट्रीज में जाते हो तो वो वहाँ जब ट्रेडिंग करते हैं उनको वेस्टर्न स्टाइल बोला जाता है. लाइक इंस्टीट्यूशनल उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है. तो मैं क्या करता हूँ, और मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा, हमें क्या करना है, हमें वहां मतलब वो जो सारी चीजें हैं और हमारी जो इंडियन स्ट्रैटेजी है उनको कंबाइन करना है. मतलब ट्रेड लेने से पहले अगर हमें कंफर्मेशन चाहिए तो हमें इंडियन स्टाइल से भी चाहिए और वेस्टर्न स्टाइल से भी चाहिए. दोनों की चीजें कंबाइन करके जो ट्रेडिंग की जाती है उनको कॉन्फ्लुएंसिंग ट्रेडिंग बोला जाता है. हेलो सर. यस तो वेस्टर्न साइड कब कब सीखेंगे ये जब आप करेंगे करें आपका सर स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है आपका. हाँ एक मिनट डन ठीक है. लास्ट टाइम आई टोल्ड यू ना कि आई विल टेल यू द कंटेंट ना राइट. तो कंटेंट मेरे पास आ चुके हैं एंड दे आर दिस, ठीक है. एक मॉड्यूल बताता हूँ आपको, ओवरव्यू. इसके प्रॉपर जो सेशंस है या वेबिनार्स है वो 2 दिन में चालू हो जाएंगे. चेक दिस. ओके, द फर्स्ट सेशन रहेगा जो बेसिक टू एडवांस का जो प्रीवियस का हमारा ओवरव्यू हो जाएगा. फर्स्ट लेट मी म्यूट एवरीवन, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस व्हाटएवर यू हैव. तो हमारा जो सेशन नंबर फर्स्ट है उसमें टोटली ओवरव्यू हो जाएगा बेसिक टू एडवांस से लेकर, उसमें क्वेश्चन आंसरिंग भी होंगे और डिस्कशन भी होंगे. तो ये क्यों रखा है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले आपके पहले की सारी चीजें क्लियर ही चाहिए. आपके पहले की सारी चीजें क्लियर ही चाहिए. सेशन नंबर सेकंड उसमें कंटेंट रहेंगे, कुछ न्यूली कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, उसके बाद न्यू चार्ट पैटर्न्स है उनका इंट्रोडक्शन किया गया है, उसके सेटअप्स है, न्यू इंडिकेटर्स भी है वो भी ऐड किए गए हैं, सप्लाई एंड डिमांड जो है वो सप्लाई एंड डिमांड के कुछ डीपली नॉलेज, उसका डीपली नॉलेज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वो भी इंट्रोडक्शन किया गया है. उसके बाद थर्ड सेशन में इलियट वेव थ्योरी आपको सिखाया जाएगा, डो जोन्स थ्योरी क्या होता है वो बताया जाएगा, रिटेस्ट क्या होता है. एक्चुअली थोड़ा सा एक मिनट, ठीक है, वो थोड़ा सा इसमें ये है स्पेलिंग मिस्टेक्स है, बट आई विल टेल यू लॉजिक बिहाइंड रिटेस्ट. रिटेस्ट क्या होता है एग्जैक्टली, पुल बैक क्या होता है, रिटेस्ट पुल बैक रिट्रेसमेंट कितने परसेंट होता है, क्या होता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है और कैसे होता है वो बताया जाएगा. ट्रेडिंग विथ वॉल्यूम, अभी ट्रेडिंग विथ वॉल्यूम ये तो एक सिंपल सी चीज है बट उसका डीप में आपको सारी चीजें उसकी बताई जाएगी. नेक्स्ट लेट मी चेक सम अदर थिंग्स. सो वी हैव हियर मॉड्यूल नंबर 4. अभी 4 में क्या आएगा, मॉड्यूल नंबर 4 में तो सी दिस, एक मिनट. हाँ, तो मॉड्यूल नंबर 4 में मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है एग्जैक्टली, मार्केट के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सिमेटिक्स क्या होते हैं, ट्रेंड क्या होता है, ट्रैप्स क्या होते हैं, फॉलोआउट क्या होते हैं, ठीक है, सॉरी फेकआउट क्या होते हैं, ये सारी चीजें बताई जाएगी.
लिक्विडिटी क्या होता है मार्केट में, मैनिपुलेशन क्या होते हैं, उसके टाइप्स कौन से होते हैं, एडवांस लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है, लिक्विडिटी के भी टाइप्स है, मैनिपुलेशन की भी टाइप है, दैट इज द कंसेप्ट। बट इसके आगे भी एडवांस लिक्विडिटी का एक पैटर्न होता है जो उसको आईपीडीए भी बोला जाता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। फिब रिट्रेसमेंट इसको आप में डीपली सिखाया जाएगा, एनालिसिस भी होगा 5 मिनट, या ओटी भी आपको सिखाया जाएगा। ये न्यूली कंसेप्ट है जो मतलब कई इंटरनेशनल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशन जो यूज करते हैं। फंडामेंटल का पूरा रिपोर्ट है, रिपोर्ट मतलब फंडामेंटल का पूरा मतलब उसका क्या बोलते हैं, पूरा पोस्ट मॉर्टम किया है, तो उसका भी एक पूरा रिपोर्ट डिटेल एनालिसिस ये बनाया है। उसके बाद सेशन नंबर जो 5वां है उसमें मतलब स्ट्रक्चर के वैलिडेशन है, इनवैलिडेशन क्या होता है, BOS क्या होता है, CHOCH क्या होता है, FPG क्या होता है, फ्लो क्या होते हैं, ब्लॉक थ्योरी क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, ब्रेकर ब्लॉक क्या है, मिटिगेशन अनमिटिगेशन कैसे होता है, AMD साइकल्स क्या होते हैं। उसके बाद फिप का प्रीमियम प्लस डिस्काउंट है, उसके उसके बाद ये सारी चीजें कंबाइन करके सेटअप कैसे ढूंढने हैं, एनालिसिस कैसे करना है, एंट्री पैटर्न कैसे ढूंढना है, हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक ब्रेकडाउन कैसे करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन कैसे करना है, तो ये सारी चीजों का बैक टेस्टिंग भी हो जाएगा, ठीक है, सारी चीजों का बैक टेस्टिंग भी हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, और मतलब दैट इज जस्ट ओवरव्यू। ऐसे कई सारे टॉपिक्स, ठीक है, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हमने बनाए हुए हैं, तो इसका पूरा जो, और उसके बाद ARP जो है फिप के ARP प्रोजेक्शन से, उसके बाद सेशन वाइज, ठीक है, सेशन वाइज ट्रेडिंग है, लेट मी टेल यू और क्या क्या है, मतलब ऐसे कई सारे चीजें कंबाइन किए हैं या एक प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाया है। देखो बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग प्रेफर करते हैं तो उनके लिए कुछ नए स्ट्रैटेजीज डेवलप किया है, वाइकॉप्स है, उसके बाद लोअर मतलब LTF के सीमेटिक्स भी बनाया है और HTF के सीमेटिक्स भी आपको बता दूंगा। इस बार डिस्कशन सेशन तो डेफिनेटली रहने वाला है, साइकोलॉजी का भी सेशन रहेगा और एक फिजिकल सेशन भी अरेंज किया है इन आवर हेड ऑफिस पुणे। तो ऐसे मतलब एक पूरा एक 10-12 दिनों का एक प्रोग्राम चल मतलब ये बनाया है। सो दैट इज इट अबाउट एडवांस कोर्स, और ये 20 जुलाई को वी आर गोइंग टू लॉन्च इट, ठीक है। नाउ किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो बोलो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। सर इसकी फीस कितनी है या फ्री है? स्क्रीन में दिख रही सर। स्क्रीन क्लोज किया है मैंने, स्क्रीन क्लोज फ्री है ना? फ्री है। इतना सब कुछ फ्री दे दो आपको। सर इसका फीस कितना है? 40,000। एक मिनट, इसका फीस हमने रखा है, लेट मी टेल यू, वेट लेट मी टेल। देखो दो कैटेगरी में डिवाइड किया है इसको। ओके सर, एक मिनट। Yes, एक मिनट, मुझे डाउनलोड तो करने दो, बता दो। ओके सर, ओके सर, ₹500। सर फ्री नहीं है क्या? टोटली पेड सेशंस है, ये हमारी एडवांस की फोर्थ एडवांस की बैच है, ये 20 जुलाई को लॉन्च कर रहे हैं। ये भी नाइट में होगा सेशंस? क्या बोले? नाइट में ही होगे सेशंस ये? हाँ, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, ये आपको मतलब इसका टाइमिंग और सारी चीजें बताएंगे। अभी इसका इसमें कुछ हम आपको क्या करने वाले हैं, आपको एक हमारा जो एक प्रीमियम ग्रुप और चैनल है इसमें आपको एक्सेस मिल जाएगा। आफ्टर दैट एक कम्युनिटी चैट मिल जाएगा सभी ट्रेडर लोगों के लिए। तो उसका फायदा क्या होगा कि मान लो अभी जितने भी हम मतलब हैं, तो अगर आप कहीं बाहर भी गए हो, कहीं गए हो लेकिन आपने एनालिसिस नहीं किया, लेकिन उस ग्रुप में जितने भी एनरोलमेंट है सबके एनालिसिस उस ग्रुप में शेयर किए जाएंगे और सब एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। आपको सेशन, आपको सजेशंस भी दिए जाएंगे, ठीक है। और एक हालांकि हम ट्राई मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी जो कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटीज है, जो ट्रेडर्स है, उनमें से कुछ ट्रेडर्स आपको लाइव सेशन भी प्रोवाइड करेंगे। आई एम प्लानिंग फॉर दैट। मेरे कुछ जो बाहर के फ्रेंड्स है, सर्कल है हमारा जो इंटरनेशनल, तो उनमें से
कुछ फ्रेंड्स को मैं इनवाइट करूंगा आपका एक सेशन लेने के लिए। 40,000 की का इंचेस्टर न्यू जो अभी रजिस्ट्रेशन जो डायरेक्टली इसमें एनरोलमेंट करेंगे उसका भी रहेगा 40,000। ऑनलाइन ही होगा और एक फिजिकल सेशन है। वी आर प्लानिंग कि जिन लोगों को पॉसिबल नहीं है तो उनको हाइब्रिड में कैसे दिया जाए, वी आर प्लानिंग फॉर दैट। सर आप कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकते हैं? हमने पहले बैच किया है तो ये रिपीट वही बैच है पहले वाला कि कुछ नया पढ़ाने वाले? दिस इज टोटली डिफरेंट बैच। ओके दिस इज टोटली डिफरेंट बैच, दिस इज एडवांस बैच। इसके देखिए दैट इज जस्ट ओवरव्यू। ओके ये ओवरव्यू बताया मैंने, उसमें इससे ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगा ना? उनके लिए भी किया है, उनके लिए कुछ डिस्काउंट भी किया जाएगा, नो वरी अबाउट इट। सर हम लोग के लिए क्या होगा सर, मतलब फीस कितना होगा सर? ठीक है दो दिन वेट करो, दो दिन में हमारे लाइव वेबिनार चालू हो जाएंगे तो उसमें पूरा आपको डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा, नो वरी अबाउट इट। ओके सर टोटल 9 सेशन हो गए ना? टोटल 9 मतलब 9 सेशन है लेकिन उसमें कंटेंट बहुत है। अच्छा 20-25 कंटेंट है टोटल। कितने डेज सर बैच चलेगा? 10-12 दिन, मतलब देखिए अभी मान लो आज हमने 2-3 टॉपिक देख लिए, ठीक है ओके सर, तो उसमें अगर ज्यादा टाइम गया तो बाकी के टॉपिक हम कल ले लेंगे, तो मतलब इट्स नॉट अबाउट टाइम, उसका फिक्स नहीं है। हम डेली के हम दो तीन पॉइंट्स क्लियर करेंगे जब तक हमारे पूरे पॉइंट्स क्लियर नहीं हो जाते। यस सर यस, इंटरेस्टिंग सर, बहुत बढ़िया सर, वेल डन सर। चलो ओके सो आराम से ट्रेडिंग कीजिए, लेट्स सर विल सी यू ऑन पिछले बैच से। इसमें एडवांस है क्या जो प्रीवियस बैच से अपने? This is totally Western style strategies जो मतलब इंडिया में ज्यादा लोग यूज नहीं करते अभी, मतलब हालांकि मेरे ख्याल से 1-1.5 सालों से ज्यादा लोगों को पता है, बट उसके पहले कुछ पता नहीं था। Okay, okay. So that things are working or used in another countries. जो institutions okay. है, banks है, मतलब कई मतलब जो hedge fund managers है वो सारी इन चीजों का उपयोग करते हैं। Yes, yes, yes. Very exciting, sir. Yeah, sure. माझा कंटिन्यू लॉस होते। अमित जी एक काम कीजिए, अमित जी आप किसके रेफरेंस से हो, आप उनको एक ये कीजिए और उनसे आप बता देना मेरे से बात करना है, सो वो फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है? तो मैं बात कर लूंगा आपसे, नो प्रॉब्लम। पुष्पक जी अभी एक काम कीजिए, क्या प्रॉब्लम क्या है जल्दी बताइए, क्वेश्चन बताइए, पूछिए, टाइप कीजिए क्वेश्चन। टाइप कीजिए जल्दी, सो आई विल विशाल जी। हाँ विशाल जी सेम टू यू विशाल, ठीक है विशाल जी एक काम कीजिए, आप भी काम कीजिए, आप बोलिए जिनके कांटेक्ट में हो आप, तो they will connect with me, no problem. No, recording वगैरह कुछ नहीं है, totally live session है, live trading चलेगा, live chart पे चलेगा, everything is live. उसका recording वगैरह it is not possible, possible ही नहीं है। ये मैंने जो बताया है वो advanced batch है। दिव्या जी एक मिनट चेक करता हूँ आपका मैसेज। कैट जेपीवाई में मेरा $900 का लॉस चल रहा है, ठीक है काम करता हूँ मैं, कैट जेपीवाई का है ना, कैट जेपीवाई का मैं सेटअप ग्रुप पे भेज देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ग्रुप इज द कोर्स इज टोटली हाइब्रिड, उसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको 2 दिन में हम वेबिनार स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें आपको पूरा डिटेलिंग मिल जाएगा, सो नो वरी अबाउट इट। मैंने जस्ट लास्ट सेशन में आपको बोला था कि आई विल लेट यू नो अबाउट इट, तो इसलिए मैंने जस्ट ओवरव्यू बताया आपको। यस फर्स्ट
चलो लेट्स सी यू एवरीवन ऑन वेनसडे, वेनसडे को मिलते हैं. चलो टेक केयर, गुड नाइट. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. ओके सेशन तो मतलब सेशन का फायदा तो हो रहा है ना सबको, सेशन अच्छा लग रहा है ना? नहीं सर बहुत अच्छा लग रहा है. यस सर, यस बहुत अच्छा लग रहा है. डेफिनेटली एक डाउट है कुछ का अभी. सेशन का जबरदस्त सर. हेलो हेलो, यस यस, शाम तक आ जाएगा सर YouTube में? हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, बट आफ्टर आफ्टर लाइक ठीक है चलेगा, आ जाएगा ग्रुप पे, नो प्रॉब्लम. प्रीवियस एनालिसिस नहीं है सर YouTube पे, वो ऑलरेडी डाल दिया है. मतलब आज सेशन हो गया तो शाम तक अपलोड होता है वीडियो, सो नो प्रॉब्लम, यू कैन सी इट ऑन YouTube आल्सो. ओके क्वेश्चन सर, नमस्ते सर.